दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल में। आपके सामने आ चुके हैं आज दिन भर की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर। बताएंगे आपको आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। आपको बता दें कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके लिए बड़ी खबर, इस प्लान में मिल रहा है रोजाना 2 GB डाटा, साथ में कॉलिंग भी मिलेगी मुफ्त। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुफ्त में मिलेगा LPG गैस कनेक्शन। सोने खरीदारों के लिए बड़ी खबर आपको बता दें कि सोने की कीमत में गिरावट से ग्राहक हुए खुश, 28,654 रुपए में मिल रहा है 10 ग्राम सोना। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अब एक साथ मिलेंगे 4,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर आई बड़ी खबर। वहीं पेट्रोल एवं डीजल के रेटों को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम सुनकर हो जाएंगे खुश। मौसम विभाग को लेकर आई बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में बदला मौसम, लखनऊ समेत कई जिलों में काले बादल और गरज के साथ झमाझम होगी बारिश। ट्रेन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, फिर से पटरी पर दौड़ेंगी ए मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको ऐसी ही सबसे बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। तो आपसे कहना कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपसे कोई भी काम की खबर मिस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि मुंबई के मलाड इलाके में 4 मंजिला इमारत ढही, मलबे में दबने से 11 लोगों की मौत और 8 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 17 लोगों को बचाया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में मलाड बेस्ट इलाके में बुधवार रात करीब 11 बजे रिहायशी इमारतें ढह गईं। मलबे में दबने से 11 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 8 लोग घायल हैं। मरने वालों में 6 बच्चे बताए जा रहे हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमारतों के मलबे को यह देखने के लिए हटाया जा रहा है कि क्या और लोग इसके नीचे तो नहीं है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 17 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम सुनकर हो जाएंगे खुश। जी हां, आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ताबड़तोड़ वृद्धि के बीच आम लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया। इस प्रकार आज भी तेल 95.56 रुपए प्रति लीटर पर, जबकि डीजल 86.47 रुपए प्रति लीटर पर है। बुधवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 25 पैसे महंगा हो गया था। बता दें कि पिछले महीने की शुरुआत में खत्म हुए विधानसभा चुनाव के बाद से 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके चलते पेट्रोल 5.24 रुपए महंगा हो चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि एक साथ 4,000 रुपए पाने के लिए जल्दी करें रजिस्ट्रेशन। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 2,000 रुपए की 8वीं किस्त किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी है। यह पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत किया गया, लेकिन अभी भी बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसलिए उन्हें सरकार की इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए दोगुना लाभ लेने के लिए 30 जून तक इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि अगली किस्त आपके खाते में सीधे तौर पर ट्रांसफर की जा सके। आपको बता दें कि अगर आपके पास पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं हैं और आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप इसके लिए आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 30 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने पर आपके खाते में 4,000 रुपए आएंगे, यानी आपको दोगुना लाभ मिलेगा। इसमें 8वीं और 9वीं दोनों ही किस्तों के पैसे जोड़कर आएंगे। दोस्तों सोने चांदी को लेकर आई बड़ी खबर आपको बता दें कि सोने की कीमत में गिरावट से ग्राहक हुए खुश, 28,654 रुपए में मिल रहा है 10 ग्राम सोना। जी हां, आपको बता दें कि सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। सोने की कीमत में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को सोने की कीमत में 92 रुपए गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ सोने की कीमत 48,424 रुपए प्रति 10 ग्राम रहेगी, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में सोना 48,516 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इसी तरह चांदी की कीमत में 414 रुपए गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद चांदी 70,181 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। पिछले सत्र में चांदी का भाव 70,595 रुपए प्रति किलोग्राम था। आपको बता दें कि सर्राफा बाजार में मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 48,981 रुपए, वहीं 23 कैरेट वाला सोना 48,785 रुपए है, जबकि 14 कैरेट वाला सोना 28,654 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि महिलाओं के लिए खुशखबरी, मुफ्त में मिलेगा गैस कनेक्शन। जी हां, आपको बता दें कि गांव में अभी भी चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है, उन्हें जुलाई माह में मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
आपको बता दें कि जिले में 1193 गांवों में अभी भी ऐसे गरीब परिवार हैं जहां महिलाएं चूल्हे पर रोटी बना रही हैं। केंद्र सरकार ने इन महिलाओं को राहत देने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना प्रारंभ हो रही है। योजना में कोई बदलाव नहीं किया गया है, महिलाओं के नाम से ही गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होना अनिवार्य है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी, फिर से पटरी पर दौड़ेंगी एमएल एक्सप्रेस ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे काफी कम होती जा रही है। संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है और एक बार फिर से नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है। रेल मंत्री और उत्तर पश्चिमी रेलवे द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार रेलवे अलग अलग रूट्स पर कई ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा कई ट्रेन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने आगे लिखा कि विभिन्न राज्यों को कनेक्ट करती यह ट्रेनें उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से होकर गुजरेंगी और यात्रियों को सुविधाजनक व सुरक्षित सफर उपलब्ध कराएंगी। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ आज की लास्ट खबर की ओर। आपको बता दें कि इस सस्ते प्लान में मिल रहा है रोजाना 2 GB डाटा, फ्री कॉलिंग, मुफ्त SMS के साथ बहुत कुछ। जी हां, आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने यूजर्स को अलग अलग वैलिडिटी वाले ढेरों सस्ते प्लान उपलब्ध करवा रही है। जियो के पास रोजाना 2 GB डाटा वाले कई प्लान मौजूद हैं। रिलायंस जियो का 249 रुपए वाला प्लान 28 दिन की वैधता के साथ आता है। इस रिचार्ज पैक में ग्राहकों को 2 GB डेटा प्रतिदिन दिया जा रहा है। इसमें कॉलिंग के लिए ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड फ्री वॉइस कॉल की सुविधा मिलती है, यानी ग्राहक 28 दिन तक अनलिमिटेड कॉलिंग का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही इस प्लान में रोजाना 100 SMS का भी लाभ उठाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य ब्रेकिंग न्यूज। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।